यूक्रेन के महायुद्ध में पहली बार यूरोप के मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई। दरअसल कई अंतर्राष्ट्रीय अखबार व्लादिमीर पुतिन की तुलना अब तानाशाह स्टालिन से करने लगे हैं। स्टालिन की वजह से दुनिया में 1 करोड़ लोगों की दरअसल मौत हुई थी और अब दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन भी स्टालिन के ही रास्ते पर चल पड़े हैं। आखिर रूस का वो नेता कौन है जिस पर 1 करोड़ लोगों की मौत का कलंक है? 1 करोड़ मौतों का जिम्मेदार लीडर सोच कर भी रूह कांप जाए, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा किया है व्लादिमीर पुतिन के ही एक राजनीतिक पूर्वज ने जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। और ब्रिटेन के एक अखबार ने अब पुतिन की तुलना सीधे सीधे सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से कर दी है। यूक्रेन की जंग चल रही है, हजारों मौतें हो रही हैं और ऐसे वक्त में पुतिन की तुलना स्टालिन से कर देना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कुछ पुतिन विरोधी अखबारों ने पुतिन को लिटिल स्टालिन करार दिया है। आखिर पुतिन और 1 करोड़ लोगों की मौत के जिम्मेदार स्टालिन के बीच ऐसी कौन सी समानताएं हैं जिसको यूरोप का मीडिया बढ़ चढ़कर प्रमोट कर रहा है ताकि पुतिन की इमेज को डैमेज किया जा सके? आखिर 1 करोड़ मौतों के जिम्मेदार स्टालिन के बारे में पुतिन क्या सोचते हैं? ये सब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा हम इस वक्त दुनिया की 2 सबसे बड़ी खबरों की भी चर्चा करेंगे। पहली खबर ब्लैक सी यानी काले सागर से है, जहां पर पुतिन ने पराक्रम दिखाकर जेलेंस्की की 6 UAV बोट्स को डुबो दिया है। और यूक्रेन युद्ध की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की ने काउंटर अटैक में डोनेस के कई गांवों को आजाद करवाने का बड़ा दावा किया है। डोनेस यूक्रेन में पुतिन का सबसे पुराना और मजबूत गढ़ है और यहां पर छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसको अपने काउंटर ऑफेंसिव में जीत मिलने की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन की सेना की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने डोनेस के 4 गांवों को आजाद करवा लिया है। इन घटनाओं से एक बार रूस को यह आशंका सता रही है कि कहीं खार्किव, लीमान और इज्यूम की तरह डोनेस पर भी यूक्रेन का झंडा न फहरना शुरू हो जाए। रूस की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा था कि उसने डोनेस के इलाके में यूक्रेन के काउंटर अटैक को नेस्तोनाबूद कर दिया है, लेकिन यूक्रेन के नए दावों ने पुतिन के कैंप में खलबली मचा दी है। जेलेंस्की की तरफ से कोई हवाई दावे नहीं किए गए हैं, बल्कि बाकायदा वीडियो भी रिलीज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह जेलेंस्की की विजय का वीडियो नंबर 1, ये डोनेस के एक गांव की तस्वीर है जिसको जीतने के बाद यूक्रेन के सैनिक वहां अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं। और ये भी जेलेंस्की की विजय का वीडियो नंबर 2 है, ये भी डोनेस का ही एक गांव है जहां पर यूक्रेन के सैनिक जीतने के बाद यूक्रेन का झंडा फहरा रहे हैं। और ये यूक्रेन के अंदर डोनेस के ब्लाक गोटाने गांव की तस्वीरें हैं जहां पर एक टूटे हुए खंडहर जैसे घर के अंदर यूक्रेन के सैनिक अपना झंडा फहरा रहे हैं। और ये यूक्रेन के अंदर डोनेस के ही नेस्क चुने गांव की तस्वीरें हैं जहां पर यूक्रेन की जीत का दावा किया गया है। डोनेस के एक गांव स्टोरोजीव के अंदर भी यूक्रेन के सैनिकों ने वीडियो रिलीज कर दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक अपने बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर भाग निकले हैं। जेलेंस्की की फौज इन इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है और एक एक रूसी सैनिक को तलाश कर रही है। आपने सुना जब यूक्रेन का सैनिक अपना विजय संदेश जारी कर रहा था उस वक्त भी जंग चल रही थी और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी।
ज़ेलेंस्की की फौज किस तरह से खूंरेज जंग जीतने के दावे कर रही है, जरा ये एक और बयान देखिए। Операція почалася приблизно о 5 ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, пытался подавить нас своей артиллерией. Нам удалось переломить инициативу, взять инициативу в свои руки. И потихоньку, хата за хатой, начали звільняти село. Приблизно было знищено порядка 50 осіб особого складу ворога и четверо рашистов. इन चार गांवों पर कब्जा हाल के दिनों में यूक्रेन की सबसे बड़ी जीत है। इन चार गांवों की आबादी करीब 5,000 बताई जा रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की तरफ से पुतिन पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया गया है। यूक्रेन की आर्मी का दावा है कि यूक्रेन के अंदर मौजूद ज़ापोरिज़्या में रूस ने एक और बांध को उड़ा दिया है। ज़ेलेंस्की की सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये एक हफ्ते के अंदर कखोका बांध के विनाश के बाद यूक्रेन का दूसरा बांध है जिसको रूस की आर्मी ने विध्वंस कर दिया है। पुतिन पर जिस तरह यूक्रेन के बांध को तोड़कर अव्यवस्था फैलाने के आरोप लग रहे हैं, अब अमेरिका का समर्थन करने वाला वेस्टर्न मीडिया पुतिन को लिटिल स्टालिन कह रहा है। यह तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि सोवियत संघ के दानाशाह स्टालिन ने साल 1941 में यूक्रेन की नीप्रो नदी पर मौजूद एक बांध को नष्ट कर दिया था। इस बांध के नष्ट होने से 1,00,000 लोगों की मौत हुई थी। बांध को तबाह करने से पहले कोई पूर्व सूचना या चेतावनी नहीं जारी की गई थी। जिसका असर ये हुआ कि अराजकता फैल गई। वेस्टर्न मीडिया का आरोप है कि अपने जीवन काल में 1,00,000,000 लोगों को मारने वाले स्टालिन के ही रास्ते पर चलकर पुतिन ने खेरसोन के अंदर एक बांध को तोड़ दिया है जिससे 5,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ये खेरसोन की ही ड्रोन फुटेज है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक बहुत बड़ा इलाका बाढ़ में डूब गया है। लोग अपने मकानों को छोड़कर विस्थापन करने पर मजबूर हो गए हैं। इन सारी तबाही का आरोप पुतिन पर लग रहा है। यूक्रेन का दुख इस वक्त कितना बड़ा है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक तरफ ये देश युद्ध की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ सैलाब की मानव निर्मित त्रासदी में राहत और बचाव का काम भी चलाया जा रहा है। हजारों लोगों को अब सामान्य जिंदगी में ला पाना इतना आसान नहीं रह गया है। ज़ेलेंस्की की जिद ने यूक्रेन के करोड़ों लोगों को पुतिन का कहर झेलने के लिए मजबूर कर दिया है। दिन पर दिन ज़ेलेंस्की टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने एक और बयान दिया है और ये कहा है कि बांधों के टूटने की इंटरनेशनल जांच करवाई जा रही है। Міжнародного кримінального суду у перший же день після катастрофи генеральний прокурор направив офіс прокурора міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалась. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжуються і продовжуються ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації. Ми вже. लेकिन इससे क्या हासिल होगा? क्या दुनिया में कोई है जो शक्तिशाली पुतिन को सजा दे सके? पुतिन को सजा देना तो दूर की बात है। पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि कोई दुश्मन पुतिन को छू भी नहीं सकता है। दूसरी तरफ रूस की सेना ने काला सागर में गैस पाइपलाइनों की रखवाली वाले अपने युद्धपोत पर किए गए यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के प्रिया जोवे जहाज पर हमला करने के लिए 6 UAV बोट्स लॉन्च किए थे और रूस ने ये सारी नावें नष्ट कर दी हैं। यूक्रेन का ये युद्ध अब अत्यंत क्रूर होता जा रहा है। जिस तरह युद्ध के बाद सैलाब की त्रासदी ने यूक्रेन को बर्बाद किया है, न तो चाह कर भी युद्ध के परिणाम को नहीं बदल पा रहा है।